इंग्लैंड से पूछो कितने आदमी थे। दो? लेकिन सबर करो आकिब भाई, तूफान कबूल करो। उसने सीरीज तो हमने रावल पिंडी में ही लेवल कर दी थी भैया, उन्होंने एक हमें हराया तो बड़े शोकत बन रहे थे, तो भैया हमने भी उसको अपनी औकात दिखा दी। लेकिन अब बात आ जाती है तीसरे टेस्ट मैच की, जिसमें भैया डिसाइडर होना था कि भैया पाकिस्तान सीरीज जीतेगी या फिर इंग्लैंड की टीम सीरीज जीतेगी। खैर दोनों कप्तान जब वो टॉस के लिए मैदान में उतरे तो भैया टॉस इंग्लैंड की टीम जीती, तो वो समझे कि भैया हम सीरीज ही जीत जाएंगे और इजीली पाकिस्तान को हम हरा देंगे। लेकिन उन बेचारों को क्या पता था कि भैया हमारे पास ऐसे दो स्पिनर है जो कि इंग्लैंड के तमाम बैटर्स को लॉलीपॉप पकड़ाने वाले हैं। ओ दोस्तों यार मगर कौन आ रहे हैं मेरे यार, पीछे चेक करो यार, बड़ा टेंशन च फंस गए यार दोस्तों, जल्दी चेक करो यार केड़ा बंदा मगर लाग गया यार दोस्तों यार, चलो चलो टाइम ना चली गई। ये साजिद खान को मैं चला कहूँ, फाइटर कहूँ, बॉलर कहूँ, बैटर कहूँ, भैया क्या कहूँ भाई, परफॉर्मेंस ऐसे करके दिखाओ कि पड़ोसी भी तारीफ करने पर मजबूर हो जाए। साजिद कटप्पा के जबड़े में लगी हुई है, खून खून हो गया फिर भी खेल रहा है, 50 से ज्यादा की लीड ले गए 177 होने के बावजूद। दोस्तों पहली इनिंग में साजिद खान ने 6 विकेट हासिल किए और भैया ओली पॉप को लोली पॉप पकड़ाए और तमाम बैटर्स को उनकी अपनी औकात दिखाई। हाँ क्रिकेट मैच हो रहा है, क्या चल रहा है पाकिस्तान और भैया इंग्लैंड के दरमियान हो रहा है। अच्छा यार आपसे एक रिक्वेस्ट है, तो ऐसे करो कि यार एक ओवर में करवा लूँ और थोड़ी सी बैटिंग भी मुझे दे दो यार, एक दो बॉल खेलने में आया हूँ, बुजुर्ग सा हूँ यार, देख लो यार उम्र के लिहाज से मुझे बॉलिंग भी दे दो और यार थोड़ी सी बैटिंग भी करा दो यार, बड़े दिन हो गए हैं, बड़े साल हो गए हैं मैं खेल नहीं आया, पहले मैं बॉलिंग करता हूँ फिर मैं बैटिंग करूँगा ठीक। भैया साजिद खान ने तो अपने जलवे दिखाए हैं, लेकिन बात आ जाती है हमारे नौमान अली की। भैया नौमान अली क्या है यार, उम्र के लिहाज से नौमान अली ने वो कुछ करके दिखा दिया जो कि हमारे चाचू इफ्तिखार अहमद भी नहीं करता था। बेन स्टोक्स दूर से बैठकर यही सोच रहा था कि भैया ये कौन से स्पिनर ले आए हैं यार हमारे सामने। भैया साजिद खान ने उनके ओपनर और उनके मिडल ऑर्डर बैट्समैन को आउट किया, लेकिन नौमान अली वो बड़े बड़े विकेट हासिल किए हैं जो आपकी नजर में भी नहीं हो गए। भैया एंजॉय रूट के रूट तोड़ दिए और भैया बेन स्टोक्स तो ऐसे आउट किया बताने के लायक ही नहीं है, ये चेक करो जरा यार किधर बॉल मार दिया है नौमान भाई। और बेन स्टोक्स को भी समझ नहीं आ रही कि भैया मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं इसको खेलूं या ना खेलूं। खैर साजिद खान और नौमान अली के लिए जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए और इन दोनों को सलूट करना चाहिए क्योंकि यार इन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को चार चांद लगा दिया। यकीन करो भैया हम सोच भी नहीं सकते थे कि भैया हम इंग्लैंड की टीम को अपनी बॉलिंग अटैक से जो वो हराएंगे और हम अपने सरजमीन पर जो वो कभी सीरीज जीत पाएंगे, लेकिन इन दोनों ने वो करके दिखा दिया क्योंकि पिछले सालों में पाकिस्तान में किसी ने भी करके नहीं दिखाया। तो भैया दिल से सलूट है साजिद खान और नौमान अली, आप ना होते तो एक बार फिर से हम सीरीज आ जाते, लेकिन इन दोनों की जोड़ी को देखकर मुझे भैया सईद अजमल और अब्दुल रहमान की याद आ गया। बाकी यार मानना पड़ेगा साजिद खान और नौमान अली को। भैया बॉलर्स ने तो खूब जलवे दिखाए लेकिन हमारे बैटर्स भी किसी से कम नहीं थे भाई। बैटिंग में हमारे साउथ शकील ने जिस तरह बैटिंग की फर्स्ट इनिंग में यार वो काबिले यकीन है। भैया जब सारे बैटर्स हमारे आउट हो जाते हैं तो हमारा साउथ शकील ही अकेला खड़ा रहता है साजिद खान के साथ और भैया हमारे नौमान अली के साथ, और भैया हमारे साउथ शकील 100 रन भी बना लेते हैं और 134 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। लेकिन हाँ अगर साउथ शकील आउट हो जाए तो आज पाकिस्तान ना जीते। और जहां तक अगर मोहम्मद रिजवान की बात करें तो भैया मोहम्मद रिजवान ने भी 2000 रन एज अ विकेट कीपर बैटर बना लिए, तो उन्होंने भी एक नया रिकॉर्ड बना लिया। और जहां तक अगर हम ओपनर्स की बात करें वो तो पूछो ही ना यार। और हाँ लास्ट में आ जाते हैं हमारे कप्तान शान मसूद। जी हाँ दोस्तों जब 36 का टारगेट हमें मिला तो शान मसूद ऐसे ही क्रीज पे आया, तो अगली 4 बॉलों पे बाउंड्रीज आई है जिसमें 4 चौके और उसके अगले ही ओवर के अगली बॉल पर जो वो 6 लगाकर पाकिस्तान को सीरीज जिता दी। दोस्तों इंग्लैंड को सीरीज हराने के बाद हमने 3 रिकॉर्ड भी बना लिए। भैया पाकिस्तान 2 साल बाद जो है वो अपने होम ग्राउंड में जीती है और 12 साल बाद जो है वो हमने इंग्लैंड को सीरीज हराई है और भैया 18 साल बाद जो है वो हमने इंग्लैंड को अपने होम ग्राउंड में सीरीज हराई है। दोस्तों बात बाल पाकिस्तान से शुरू और पाकिस्तान में ही दफन हो गया। अब अगला टारगेट है हमारा ऑस्ट्रेलिया। भैया मुझे उम्मीद है कि यार ऑस्ट्रेलिया के लिए हमारी एक जबरदस्त टीम अनाउंस होगी और फिर हम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में भी हराएंगे और एक बार फिर से पाकिस्तान का नाम ऊपर तक पहुंचेगा। भैया जो हमारा
हमारे खिलाफ बोल रहा था और जो कह रहा था कि बच्चों से हार रहे, अरे भैया वो आज हमारी तारीफें पर तारीफें कर रहे हैं भैया, अनप्रेडिक्टेबल है। आज मुझे नींद बहुत अच्छी आने वाली है और मुझे पता है कि आप लोगों को भी बहुत ही अच्छी नींद आने वाली है, क्योंकि यार पाकिस्तान ने सीरीज जीती है यार। तो दोस्तों आज सीरीज जीतने की खुशी पर यार 1000 लाइक जो है वो लाजमी बनते हैं भैया, इस वीडियो पे 1000 लाइक्स करवा दो तो भैया मेरा दिल भी खुश हो जाएगा। दोस्तों कल के क्विज के जो विनर्स हैं, जो मैंने क्विज दिए थे कि भाई ये कौन सा प्लेयर है, तो सभी ने सही जवाब दिया और इस खिलाड़ी का नाम है भैया इंडिया का फ्यूचर स्टार भैया नीतीश राणा। वो कौन से मेरे भाई हैं जिन्होंने सही जवाब दिया और जिनके नेम जो वो लकी ड्रॉ में से निकले। दोस्तों कल के क्विज के जो पहले विनर है वो है स्ट्रीप लाइन, तो स्ट्रीप लाइन के लिए भी जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए। जो दूसरे हमारे विनर है वो है हसन, तो हसन के लिए भी जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए। और जो थर्ड हमारे विनर है वो है इबाद, तो इबाद के लिए भी जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए। और जो फोर्थ हमारे विनर है वो है इब्राहिम, तो इब्राहिम के लिए भी जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए। और जो फिफ्थ हमारे विनर है वो है भैया दाऊद, तो दाऊद के लिए भी जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए क्योंकि उसने सही जवाब दी। और जो सिक्स्थ हमारे विनर है वो है कशन, तो कशन के लिए भी जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए। और जो सेवंथ हमारे विनर है वो है रोमान, तो रोमान के लिए भी जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए। और जो एट हमारे विनर है वो है साद अफरीदी, तो साद अफरीदी के लिए भी जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए। और जो नाइन्थ हमारे विनर है वो है यूसुफ, तो यूसुफ के लिए भी जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए। तो खैर वो मेरे भाई परेशान ना हो जिनके नेम जो वो आज की वीडियो में नहीं लिए गए भैया, आज के जो क्विज है वो उससे भी इजी होने वाला है। भाई मुझे ये बताओ कि यार ये कौन सा खिलाड़ी है। और आप सभी को पता है पार्टिसिपेट करने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और फिर कमेंट सेक्शन में इस क्विज का आंसर देना, अदरवाइज आपका नेम जो वो नहीं लिया जाएगा। तो खैर यार मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अपना ख्याल रखो, मेरा भी ख्याल रखो, और हाँ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। ओके अल्लाह हाफिज। सऊद भाई से सुना था माइक स्टंप माइक पे, उन्होंने कहा था कि एक आध बॉल देख लो फिर जो करना है करना। हाँ वो सिर्फ बॉलर्स को सुना रहे थे कि रेहान और जो शुएब दोनों को उर्दू समझ आती है, तो हमने उनको सिर्फ पक्का करने के लिए बोलना है कि सिंगल करेंगे आराम से दो हो जाएंगे। तो जब हमने सिंगल की आवाज़ी तो उस फ्लाइट किया, बस उसमें हम मैसेज यही था कि जब भी मिलेगा तो पूरी मारना, आधी नहीं मारना।